वाइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बास हफीज हूँ। आज सुबह सुबह मोदी जी गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंच गए। गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंचने के पीछे कई संदेश छिपे थे। लोगों का ऐसा मानना है बीजेपी का एक स्टंट मारना था वहां पर, ताकि जो सिख समुदाय विरोध में खड़ा हो गया है, किसान भाई हमारे हर समुदाय के विरोध में खड़े हो गए हैं इनके, वो कहीं ना कहीं तोड़ा जा सके। लेकिन वो पूरा दाव जो है वो उल्टा पड़ गया और जम के फजीहत का शिकार पूरी बीजेपी को होना पड़ा। उसकी वजह है वहां जहां गए थे रकाबगंज गुरुद्वारे में, वहां के जो बड़े जो बुजुर्ग खड़े हुए थे स्वागत के लिए, उन्होंने ऐसी बात कहलवा दी जो सोचा भी नहीं था बीजेपी ने। जो पढ़ रहे थे पंजाबी भाषा में, जिसके मतलब भी नहीं पता होंगे वहां पे, वो बाद में जब वीडियो आया तो हंगामा खड़ा हो गया है कि ये तो जब बड़ी फजीहत हो गई। और बहुत कुछ संदेश छिपे हुए उसमें पढ़ दिए और गांधीवादी तरीके से वहां जमके विरोध भी हो गया। आप सोच नहीं सकते क्या पढ़ा गया था। रामकृष्ण मिश्रा जी ने वीडियो साझा किया है गुरुद्वारे का, और वहां जो उनके बड़ों ने वहां पढ़ा है और पढ़वाया है साहेब से, वो भी बताया है इसमें। पहले मैं पढ़ के सुना रहा हूं, फिर वीडियो देखिएगा। आज जब नरेंद्र मोदी गुरुद्वारे की शरण में पहुंचे थे, तो उस समय गुरुद्वारे के मुख्य ग्रंथी गुरुद्वारे में पंजाबी भाषा में बोल रहे थे, तू चाहे चाहे धर्म ग्रंथ पढ़। मोदी जी सामने खड़े हैं, अभी वीडियो में आपको देखेंगे। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पंजाबी में उसका अनुवाद सुना रहा हूं। और ये सबसे जो बड़े वहां के बुजुर्ग थे वो सामने खड़े हुए, उनका हाथ पकड़ के ये बता रहे थे, उनको सुना रहे थे पंजाबी भाषा में, जिसका मतलब है तू चाहे चाहे धर्म ग्रंथ पढ़, संगत कर, पर अगर तेरे सोच में तब्दीली नहीं आई, तूने मानवता का भला नहीं किया, तो जब आखिरी वक्त आएगा तब किधर भागेगा, कब तक भागेगा। सुन लीजिए, ये वीडियो प्रमाण है इस चीज का, देखिए। बेशक तू अपने आप को कहता है कि मैं धर्मी हाँ, संगत करता, बाणी पढ़ता, सेवा करता, पर कहते जे तेरी सोच दे विच तब्दीली नहीं आई, निस दिन सुन के पुराण समझ तो नारे अजान, काब तो पहुंचो आन, कहां जह पाजरे। दोस्तों देखा आपने, जो वहां के जो चीफ एक तरह से जो सबसे बड़े होते हैं, उन्होंने जो पढ़ के सुनाया, बीजेपी को पता भी नहीं था कि क्या पढ़ रहे हैं, और साहेब भी साथ में मुंडी हिलाते हिलाते पढ़ रहे थे। आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, जिसका मतलब यह है तू चाहे चाहे धर्म ग्रंथ पढ़। किसानों के आंदोलन के साथ मिला के इसको देखिए, सोचिए और समझिए कि क्या कह गए, क्या कह दिया और कितनी बड़ी बात हो गई, कितना बड़ा विरोध दर्ज करा दिया। यह है गांधीवादी तरीका विरोध का, जिसका मतलब था तू चाहे चाहे धर्म ग्रंथ पढ़, संगत कर, पर अगर तेरे सोच में तब्दीली नहीं आई, तूने मानवता का भला नहीं किया, तो जब आखिरी वक्त आएगा तब किधर भागेगा, कब तक भागेगा। मैं सलाम करता हूं इन लोगों को जिन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी और उनके समझ में भी नहीं आया, जब बाद में अब समझ में आएगा तब शायद बहुत कुछ तब्दीली आ जाए। इसको हमेशा किसान आंदोलन के साथ मिला के देखिएगा।